हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो 2 दिन बाद आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इसी चैनल पर। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ क्लास 10th लेसन 1 के फुल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लेट्स बिगिन द क्लास। जितने भी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए ना, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कंप्लीट करके जाऊंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे कम टू द पॉइंट, इधर उधर नहीं जाना है, चैनल सब्सक्राइब करना है एज योर विश, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, बस आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए। ओके, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 पर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाँ 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 बिल्कुल समझाती जाऊंगी, ये तो तुम्हें तुम्हारी गाइड में भी मिल जाएगा, नहीं तो है ना, समझाती जाऊंगी, टेंशन ना को जी। दीपिका इज हियर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, जो लेंचो होता है भाई वो किसके लिए आशा कर रहा होता है? So Lancho hoped for the rain for his crop field, आशा कर रहा होता है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बता दूं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर और 3 नंबर में देखने को मिलता है। So भाई किसकी आशा कर रहा होता है? अपने खेतल जो खेत की फसल है उसके लिए एक छोटी सी हल्की सी बारिश की। ओके, वाई डिड Lancho say the raindrops were like new coin? उसने ऐसा क्यों कहा कि जो raindrop है, जो पानी की बूंदें हैं, वो उसके लिए coins हैं, मतलब कि सिक्के हैं। So Lancho crop was ready for harvest, Lancho की फसल थी वो पकने के लिए और कटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए तैयार थी, as raindrop would have help in getting a better harvest, और जो बरसात थी ना वो हो अगर अच्छी हो जाती तो और भी अच्छी उनकी जो फसल है वो बन जाती, मतलब और थोड़ा सा उसमें तरक्की हो जाती, सुख समृद्धि आती, और मतलब जो बारिश होने से और फसल अच्छी होने की उम्मीद की जा सकती थी। ओके, सो रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, प्लान टू कंपेयर देम विथ न्यू कॉइन। ओके, ये देखो, जिससे कि सुख समृद्धि आती है ना, इसीलिए Lancho ने उन्हें नए सिक्के कहा, क्योंकि उनकी वजह से उनकी जो फसल है वो बेटर होती, अच्छी हार्वेस्ट होती, और अच्छी फसल निकलती तो अच्छा पैसा आता, और अच्छा पैसा आता। सो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो लिखा हुआ है कि हाउ डिड द रेन चेंज, मतलब जो बरसात है वो चेंज कैसे हुई है, और वॉट हैपेंड टू Lancho's फील्ड, और बताना है कि Lancho की फील्ड में क्या हुआ, मतलब Lancho के खेतों में क्या हुआ। ओके, सो आंसर देखिएगा, द रेन वाज पावरिंग डाउन, जो रेन थी वो लाइक धीरे धीरे धीरे, मतलब पहले तो अच्छी हो रही थी, पावरिंग डाउन चल रहा, मतलब ठीक है, बट सडनली क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज स्टोन बिगेन टू फॉल Along with the rain. तो गाइस क्या होता है कि ये जो बरसात थी वो पहले तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक तेज हवा का झोंका आप कह सकते हैं, मतलब अचानक से तेज हवाएं चलने लगी थी, एंड देन बहुत बड़ा लार्ज हेलस्टोन, लाइक बहुत कह सकते हैं आप कि बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेलस्टोन का मतलब आप कह सकते हैं जो ओले वाली बरसात होती है ना, उसको बोला जाता है। Began to fall, गिरने लगे along with the rain, बरसात के साथ, तो आप कह सकते हैं कि इस कारण उनका पूरा फील्ड जो होता है वो खराब हो जाता है। All the corn in Lancho's field was destroyed, क्या होता है, जितने भी कॉर्न थे ना Lancho की फील्ड में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना कि व्हाट वर Lancho's फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, क्या होता है जब, मतलब कि जैसे ही हेलस्टोन जो होता है ओले गिरना बंद होता है, सो Lancho का फीलिंग क्या होता है, Lancho कैसा फील करता है, उसे कैसा फील होता है, कैसा लगता है यार कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, है ना। सो देखते हैं आंसर क्या है इसका। ओके, चलिए, यस ये लिखा है यहाँ पर, देखिए बेटा यहाँ से दिखाई तो दे रहा है ना तुम लोगों को, आफ्टर द हेलस्टोन स्टॉप्ड, जैसे ही जो ओले का तूफान था आप कह सकते हैं रुक गया, है ना, रुकने के बाद क्या हुआ, Lancho वाज एक्सट्रीमली
disheartened and his soul was filled with amaze, sadness. क्या होता है कि ओली का जो तूफान रुका है उसके बाद अत्यधिक निराश था, मतलब एकदम वो ऐसा लो फील हो रहा था उसको और बहुत ही बुरा लग रहा था। देखो कोई भी हो, जैसे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पिताजी खेती का काम करते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अगर पूरी फसल अपनी साल की खराब होती है सो अपन को उस टाइम पर हाउ डिड वी फील दैट टाइम, राइट। सो बेसिकली थोड़ी चीजें अपने बारे में भी बता रही हूँ कि मैं भी एक किसान की लड़की हूँ, तो मुझे भी पता है कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा, लाइक समझ लिया। अब आगे देखिए, यार विथ ए मैस सैडनेस, मतलब बहुत ज्यादा उदास हो गया था, एक प्रकार का उसे सदमा लगा था कि यार अभी क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर आपको 6 पर मिल जाएंगे, आगे चले है ना। हु और व्हाट डिड लर्न टू हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, आपको बताना है कि कौन और मतलब क्या, कौन और क्या विश्वास था लेंचो को, किस व्यक्ति पर विश्वास था आप कह सकते हो, क्या विश्वास था और व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया। तो पूरी बेसिकली पूरी पोयम पूरी स्टोरी इसी पर बेस्ड है कि लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान पर, एंड ही बिलीव दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, उसको ऐसा लगता था कि भगवान की आंखें, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना भगवान की आंखें सब देख रही है। आपको पता है जब क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं ना तो आसान होता है उन्हें याद करना, और जब हम पाठ पढ़ लेते हैं तो आसान होता है क्वेश्चन आंसर याद करना। गॉट इट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको पूरे फुल स्टोरी की लिंक दी हुई है जिसमें मैंने पूरा हिंदी अनुवाद किया है वर्ड टू वर्ड, तो प्लीज उसे समझिएगा, ठीक है। ओके आगे देखें, क्वेश्चन नंबर टू है, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा था, तो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी बता रही हूँ। ओके, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू व्हेन डू देन, सॉरी पोस्ट मास्टर क्या करेगा, मतलब जो पढ़ने के बाद लेटर को पढ़ने के बाद क्या करेगा, ये क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स है कि मैम आप सारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दीजिए, बाकी आपकी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी गाइस। ओके, लेकिन जिसको ओरल क्वेश्चंस चाहिए, जिनको लगता है कि अंदर से बन के आते हैं, ये भी जरूरी है, तो मैंने सोचा वो भी बता देती हूँ। The postmaster first laughed, but then he became serious. He was deeply moved by Lancho's faith in God. तो postmaster क्या होता है guys? First तो बहुत तेज उसे हंसी आती है कि कोई भगवान को letter कैसे लिख सकता है, लेकिन फिर just मतलब immediately वो क्या होता है? बिकम सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, भावुक हो जाता है और गंभीर हो जाता है। He was deeply moved by Lancho's faith in God. उसको लगता है, मतलब वो तभी तरीके से प्रभावित हो जाता है कि यार इतना विश्वास किसी को किसी पर कैसे हो सकता है, इतना विश्वास किसी को ईश्वर पे भगवान पर कैसे हो सकता है। बट ही डिडंट वांट टू सेक हिज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड कलीग्स। क्या होता है, वो कहता है कि मैं, मतलब उसने ऐसा फैसला लिया कि उसके लिए मतलब लाइक एक तरीके से वो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, उसका विश्वास नहीं तोड़ेगा और वो तोड़ना नहीं चाहता है। और उसने एक डिसीजन लिया, एक चीज डिसाइड करी कि वो खुद पैसे कलेक्ट करेगा उसके लिए, उसके फ्रेंड से, उसके कलीग जो उसके काम उसके साथ काम करते हैं उनके साथ पूरा पैसे इकट्ठा करके जो पोस्ट जो लेंचो है उसके लिए पैसे इकट्ठा करेगा और उसको दे देगा, उसने ऐसा डिसाइड किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, ये मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पर। व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। चलिए, लेंचो सरप्राइज हुआ लेटर को प्राप्त करके, मतलब ये पूछा जा रहा है कि क्या लेंचो जो है वो सरप्राइज था लेटर प्राप्त करके और उसमें मनी देखकर, या फिर नहीं, बताइए आंसर क्या होना है। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर अपन तुम लोग याद करते हो ना तो थोड़ा सा समझ के याद किया करो तो जल्दी याद होते हैं। बेसिक एडवाइस दे रही हूँ जिन बच्चों को लगता है यार इतने सारे क्वेश्चन आंसर है और फिर मैथ भी तो करनी है फिर साइंस भी तो करनी है, तो जब भी तुमको ऐसा लगता है ना तो थोड़ा सा ठंडा दिमाग लगाया करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज देख लिया करो ताकि आसानी से तुम याद कर सको। नो लेंटो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. Lentu बोलता है नहीं वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था उस लेटर को देखकर, इनफैक्ट उसे तो ना ही उसमें अंदर पैसे देखकर मतलब वो सरप्राइज था बिल्कुल नहीं, ना ही तो लेटर ना ही वो पैसे देखकर वो सरप्राइज था, और उसके जो कॉन्फिडेंस था और जो विश्वास था मतलब एक प्रकार से उसे विश्वास था कि भगवान जो है बिल्कुल उसको लेटर लिखेंगे। सॉरी गाइस थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज मुझे अल्सर हो रहे हैं तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो सॉरी अगर स्लिप भी हो रहा है कोई चीज़ या मिसिंग हो पा रहा है तो वो उसी कारण हो रहा है बिकॉज बोलने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी। गॉड वॉज सज दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, वो ऐसा उसे ऐसा ही उत्तर की आशा थी, उसे ऐसे ही मतलब उसको जवाब ऐसा ही चाहिए था, बस उसे इस चीज़ की कमी कर रही थी कि यार इसने इन्होंने पैसे कम क्यों दिए तो ये चीज़ आगे मिलेगी। वॉट मेड हिम एंग्री, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन थे ना तीन चार वो ध्यान से पढ़ रहे हैं ना वो आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वॉट मेड लेंचोज एंग्री करके आता है ये वाला क्वेश्चन, बार बार आपको पेपर में देखने को मिला। लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द Involved was less than what he had asked for. वो बोलता है भाई देखो उसे किसने गुस्सा दिलाया, मैंने बोला ना कि उसको जो कम पैसे आए थे उससे गुस्सा आ रहा था। लेंचो वाज बहुत ज्यादा एंग्री था, लेंचो वाज एंग्री जैसे उसे प्राप्त हुआ उसमें पैसे उस लिफाफे में पैसे मिले वाज लेस देन ही हैड आस्क फॉर, जितना उसने मांगा था जितना उसने बोला था उससे कम पैसे उसे मिले ना तो बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा था। ठीक है चलिए जहां से आपका स्टार्ट होता है टेक्सुअल एक्सरसाइज, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 5-5 नंबर में भी आ सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, प्रीवियस ईयर अगर आपको पेपर देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिए, नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते। ये था इसका पार्ट वन, अगर पार्ट टू देखना है तो आप जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने